खबर आए बरेली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स राय बरेली में लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजकोट से राय बरेली सहित देश के 5 राज्यों संचालित एम्स का लोकार्पण वर्चुअल तरीके से किया गया। केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त योगदान से एम्स में 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक जनता को समर्पित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश के 5 एम्स के लोकार्पण का अवसर है। रायबरेली की जनता को बधाई। आज आपकी दशकों पूर्व जो मांग थी उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। मोदी सरकार ने सुरक्षा व बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी दी है। हर युवा के हाथ को आजीविका व नागरिक को सम्मान दिया है। स्वच्छ भारत निर्माण व जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब यूपी में 2 एम्स होने जा रहे हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में। रायबरेली में गत वर्ष 100 छात्रों का प्रवेश हुआ है। 70 वर्ष में जितना कार्य हुआ है उतना 10 वर्ष में हमने हासिल किया। उस समय डबल इंजन सरकार के सामने स्वास्थ्य सबसे बड़ा विषय था। मेडिकल की सुविधाएं खराब थी। तब 45 मेडिकल कॉलेज थे और अब 65 है। 15 निर्माणाधीन है। निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। पीएम जन आरोग्य योजना जिसमें 5 लाख बीमा का कवर का लाभ दिया जा रहा है। एम्स का उद्घाटन मील का पत्थर साबित होगा। प्रयागराज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू होगा। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को आगे आगे बढ़ा रही है। कामगारों के मंच को प्रमाण करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नामदार व कामदार में क्या अंतर है, एम्स इसका उदाहरण है। रायबरेली एम्स को 8 साल की यात्रा करनी पड़ी। 16 दिसंबर 2018 को समर्पित 900 करोड़ की लागत से इसे शुरू किया गया। आज 800 से 900 सर्जरी हर महीने हो रही है। बरसों बरस नामदार ने वोट लिया लेकिन सेवा नहीं की। अमेठी साक्षी है इस बात का कि 30 साल पहले मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया लेकिन अपना गेस्ट हाउस बना डाला। जो 30 साल में नहीं हुआ वह मोदी सरकार ने 3 महीने में कर दिया। मेडिकल कॉलेज अमेठी में खुलने का रास्ता साफ हुआ है। आज अमेठी में डायलिसिस सेंटर खुला है। अमेठी में सिटी स्कैन नहीं था, आज 200 बेड का अस्पताल मिला, ब्लड बैंक मिला। आजादी से अब तक 380 मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने दिए। आज मोदी के कार्यकाल में 706 संख्या हो गई है। 13 करोड़ लोग गरीबी से उभर पाए। 10 करोड़ को जन औषधि योजना का लाभ दिया। 24 करोड़ महिलाओं ने स्तन कैंसर सहित अन्य बीमारियों का उपचार कराया। अरविंद राजवंशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आए हुए मंत्रीगणों का स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन रानी, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, राज्य मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह, सदर विधायक अदिति सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, विधायक अशोक कोरी, एमएलसी उमेश द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी, जिला उपाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी सहित कई पूर्व विधायक व पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता वैभव सोनकर के खास में 30 साल में ना हो सका वो आपने मात्र मेरे कार्यकाल में 3 माह में ही आग्रह कर पूरे पेपर वर्क को करने के बाद मेडिकल कॉलेज अमेठी के इतिहास में पहली बार बोला। मैं आज अमेठी के सांसद के नाते मुख्यमंत्री की आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। वर्षों वर्ष मेरे क्षेत्र से अगर किसी को डायलिसिस की सुविधा चाहिए होती तो गरीब से गरीब व्यक्ति लखनऊ को दौड़ता। भारत के स्वतंत्र इतिहास में जब तक कांग्रेस रही तब तक 380 मेडिकल कॉलेज दिए गए।
की गारंटी है। जहां पर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने की क्षमता भी है और जहां पे हर युवा के हाथ को आजीविका के साथ जोड़ने और आम नागरिक की आस्था को सम्मान देने का भी सरकार के पास एक जज्बा है। ये नया भारत जहां एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर नागरिक को तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव का उपाय सुझाता है, तो वही ये नया भारत आज बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से हर जनपद में आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करने का कार्य कर रहा है। और ये नमस्कार, मैं हूं वैभव सोनकर, आप देख रहे हैं एपी 100 लाइव टीवी। मैं इस वक्त एम्स हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूं जिला रायबरेली में। मैं यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की यहां पर बहुत जनसभा का आयोजन हुआ, बहुत बड़ी जनसभा का। आइए मैं लोगों से मिलकर चर्चा करता हूं। नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल पांडे है, मोदीपुर सावर फैक्ट्री। यहाँ क्या प्रोग्राम था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पांच एम्स का उद्घाटन करना था, जिसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ आए थे और हम सब फिल्म को देखने के लिए यहाँ पे आए। लेकिन एम्स का तो एक बार और उद्घाटन हो चुका है कांग्रेस के टाइम पे। वो तो हमारे टाइम पे नहीं हुआ था, हमारे टाइम पे हम हुआ है। कितनी उम्र जब से हम समझदार हुए हैं तो ये हो रहा है। हम बचपने में हुआ होगा, हमें उसकी जानकारी नहीं है ना। अब हम थोड़ा मैच्योर हुए हैं जब से, तो हम अपने अब देख रहे हैं, तो हम अभी के बारे में बता सकते हैं। और आप यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? सर अब ये तो डॉक्टर ही बता सकता है, हम एक दिन आने से तो नहीं बता सकते। नहीं, रैली में थे आप, वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा होगा ना कि यहाँ पे एम्स में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं? 100 बेड जी सर, इसमें 100 बेड की सुविधा दी गई है, जैसा कि आज बताया गया है, और काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। पहले 600 बेड का हॉस्पिटल था, अब ये 300 बेड का हॉस्पिटल हो गया है। 300 बेड गोरखपुर चले गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर वो तो देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा ना, वो सरकार की रणनीति है, लेकिन बढ़ रहा है ना, जैसे बढ़ाया जा रहा है ना। अभी 500 बेड का अनाउंसमेंट हुआ था जैसा कि सभी एम्स के लिए, तो यहाँ पे भी 100 बेड आए हैं और उम्मीद करते हैं आगे चल के और ज़्यादा बढ़ेंगे। धन्यवाद। मिश्रा जलमऊ नगर पंचायत से आए हुए हैं। आप यहाँ क्या था? माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एम्स अस्पताल का उद्घाटन रायपुर जिले में किया जाना था, उसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे, जो कि कार्यक्रम